हाय एवरीवन, आप सबको मैं प्रियंका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी ये मछली फ्राई जैसा एकदम टेस्टी पकौड़ा लेकर आई हूँ। एक बार आप इसे बना लोगे तो बार बार इसे बनाने का मन करेगा और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार चलिए, इसे बनाने के लिए हमने ये सीताफल के पत्ते ले लिए हैं। ये पत्ते हमारे बिहार में बहुत ही आसानी से मिलते हैं और हर कोई इस पत्ते का बहुत ही अच्छा अच्छा सब्जी, चटनी, चोखा, फ्राई, मछली फ्राई जैसा सभी कोई बना कर खाते। एक बार इसे आप हमारे तरीके से इसे चलिए इसे बना लेंगे आपको खाकर बहुत ही मजा आएगा। चलिए इसे बनाने के लिए हमने चावल ले लिए हैं। अब एक से चावल जार लेंगे, एक घंटा पहले खुला कर रख दिए। अब एक मिक्सी जार लिए हैं, अब इसमें हम ये चावल डालकर इसे पीस लेंगे। अब इसी में हम लहसुन का एक कली डाल देते हैं। ये आप एक बार इस पकौड़े को बना कर खाओगे तो आप इस चलिए अब इसका में हम हल्दी और मिर्चा सभी को डालकर एक साथ फाइन पेस्ट बना लेंगे। और इसे देखिए ढक्कन लगाकर अब पेस्ट बनाकर आपके सामने, अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। और देखिए हमने इसे एक बॉल में निकाली, इसे आप इसमें अब हम बेसन ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। एक बार आप इसे बनाकर खा लोगे तो बार बार इसे आप बनाने का मन करेगा। ये बिल्कुल मछली से कम नहीं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हाथ या मिक्स, जो इसे मिक्स करने वाला हो तो मिक्स से कर लीजिएगा। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखिए इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लिया। अब इसे एक पत्ता लेंगे और इसके पत्ते पर हम ये बैटर जो बना कर रखे थे उसे हम फैलाते हुए इसे चारों तरफ फैला लेंगे। और फैला कर देखिए सबको हम फैला ले रहे हैं। आप इस तरह से बनाओगे ना तो बनाने के बाद खाओगे तो बार बार इसी तरह बनाने का मन करेगा। अब हम दूसरा पत्ता लेंगे और इसके दूसरे साइड इसका मुंह रखेंगे और इधर से पहले उस तरह रखे थे ना उस तरह नहीं रखेंगे, इसके अपोजिट रख के फिर उसी तरह इसे फैला लेंगे और इसमें फिर से बैटर लगाकर अब इसको हम मोड़ते हुए बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम घुमाते हुए इसे बना लिए हैं। अब हम देखिए दूसरा भी आपको बनाकर बताते हैं अगर आपको ये बात समझ में नहीं। अब छोटे पत्ते लेकर आपको बता रहे हैं, ये छोटे पत्ते भी आप इसको इस तरह से बनाओगे ना तो एक बार बना लोगे ना तो मछली का तला हुआ जो मछली फ्राई हम खाते हैं ना वो भी भूल जाइएगा। इस तरह से अगर बना लिए तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी, अगर आप इसे चाय या इस तरह भी खा सकते हो। फिर इसी तरह हम बना लेंगे, फिर इसके अपोजिशन में रखते हुए उसी तरह फैलाते हुए इसको भी हम बना लेंगे। देखिए आपको छोटा भी इसी तरह करके बताएं और देखिए और इसको भी और इसे भी रोल इसी तरह कर लेंगे। देखिए आपको अब देखिए सभी को मैंने इसी तरह रोल कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अब इसे हम गैस पे पैन रख कर अब इसे फ्राई कर ले, तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम रख के इसको हम फ्राई कर लेंगे। और सभी को इसी तरह रख के इसका आंच मीडियम टू हाई रखेंगे और ये फ्राई करा हुआ आप एक बार खा लोगे ना तो आप बिल्कुल मछली खाना भूल जाओगे। ये बिल्कुल मछली जब फ्राई करते हैं ना उसी तरह ये लगेगा और आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा अगर बात का यकीन ना हो तो आप। और बीच बीच में हम इससे चम्मच के सहायता से थोड़ा बीच बीच में इसको हम इस तरह से काट लेंगे ताकि इसका जो भी
भीतर का पार्ट होगा ना, वो जो बैटर लगाए थे वो पक जाए और अच्छी तरह से खाने में भी अच्छा कुरकुरा करारी लगे। देखिए हमने सभी दोनों तरफ इसी तरह उलट कर काट लिए हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप यकीन मानिए ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। और सभी को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए ये कितना जल्दी बनकर तैयार हो चुका, और ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, और देखिए बहुत क्रिस्पी लग रहा है ना। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार खाओगे बार बार खाने का मन करेगा। इस तरह से बनाइए हमारे तरीके से और सभी को खिलाइए। देखिए ये बनकर रेडी हो चुका और आपके सामने ये निकाल कर हमने बिल्कुल लग रहा है ना फिश मछली फ्राई है, और खाने में बिल्कुल उसी तरह से कम नहीं लगेगा। आप एक बार उठाओगे तो सभी मन करेगा आप ही खा जाओ बार बार। चलिए अब चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भर भर कर सपोर्ट करिए। चलिए बाय।